जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रेज बी टू हिज होली नेम। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। सो वी टर्न अवर बाइबल टू सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 4:10। आओ असि अपनी बाइबल खोलांगे, दूजा इतिहास चौथा अध्याय 10 वचन। आओ हम लोग अपने पवित्र शास्त्र को दूसरा इतिहास चौथा अध्याय उसका 10 वचन को खोलेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4:10। पहला इतिहास चौथा अध्याय 10 वचन। माफ करना, पहला इतिहास चौथा अध्याय उसका 10 वचन। अति उसने सागरी होद नु पूर्व वल पवन दे सज्जे पासे। पहला इतिहास चौथा अध्याय 10 वचन। पहला इतिहास चौथा अध्याय उसका 10 वचन। इसराइल दे परमेश्वर अगे बेनती करके आख्या, काश के तू मैनु सचमुच बरकत देंदा ते मेरिया हदा नु वधांदा ते तेरा हाथ मेरे नाल रहंदा अते तू मैनु बुराई तो बचांदा ता जो मैनु दुख ना देवे अते परमेश्वर ने ओदिया पौणियां पूरियां कीतियां। एंड जेबस कॉल्ड ऑन द गॉड ऑफ इसराइल सेइंग, ओ दैट दाउ वुडस्ट ब्लेस मी इनडीड एंड एनलार्ज माय कोस्ट एंड दैट थाइन हैंड माइट बी विथ मी and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me, and God granted him that which he requested. Praise be to his holy name. Parmeshwar ke pavitra naam ki tareef hai. Parmeshwar ke pavitra naam ki stuti ho. Here we read about a man called Jabez. ऐथे से याबेस नाम दे मनुख दे बारे पढ़ दे हां। यहां पर एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम याबेस था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। Jabez called on the God of Israel and God answered his prayer. याबेस ने इसराइल दे परमेश्वर नु पुकारिया अते परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना दा उत्तर दिता। याबेस ने इसराइल के परमेश्वर को पुकारा और उस परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। We don't read about Jabez. असि याबेस के बारे पढ़ दिया, हम लोग याबेस के बारे में पढ़ते हैं। Another places in the Bible. बाइबल दे विच होर कई थावां ते भी पढ़ दे हां। याबेस के बारे हम लोग पवित्र शास्त्र में और भी जगहों पर पढ़ते हैं। You know, when his mother gave birth to him, he called his name as Jabez. जैसे उसकी माता ने उसको जन्म दिता तो उसने उसका नाम याबेस रखा। जब उसकी माँ ने उसको जन्म दिया तब उसका नाम उसने याबेस रखा। इन द 9th verse we read, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. याबेस अपने भरावां नालों पतवंत सी अते उहदी माता ने यह आके उहदा नाम याबेस रखिया, पई मैं उहनूं दुख नाल जणिया। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। एंड वी डोंट रीड अबाउट द नेम्स ऑफ हिज ब्रदरन। अते असि उसके भरावां दे नाम दे बारे भी पढ़ते हां। यहाँ हम लोग उसके भाइयों के नाम के बारे में भी पढ़ते हैं। We don't know the father's name of Jabez. असि याबेस के पिता का नाम नहीं जानते, पर हम लोग याबेस के पिता का नाम नहीं जानते। But we understand he had some brothers. पर असि ये समझ दिया कि उसने कुछ भरा सन, पर हम लोग ये इस बात से समझते हैं कि उसके कुछ भाई थे। And as we read in verse 9, Jabez was more honorable than his brethren. अते जिस तरह असि नौवे वचन दे विच पढ़िया कि याबेस अपने भरावां नालों ज्यादा आदर योग सी, जैसे हम लोग नौ वचन में पढ़ा कि याबेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ। That means his brethren were not so honorable like Jabez. ऐसा मतलब कि उसके भरा याबेस से समान आदरवान या पतवंत नहीं सन। इसका मतलब यह है कि याबेस के भाई याबेस की तरह ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं थे। Perhaps they might not have been pleasing to the mother. शायद वो अपनी माँ को प्रसन्न नहीं करते होंगे। शायद हो सकता है कि वो अपने माता जी को प्रसन्न नहीं करते होंगे। They might have been giving some sorrows to their mother. शायद वो अपनी माँ को दुख देते होंगे। शायद वो अपनी माता को दुख देते होंगे।
So Jabez's mother thought, when Jabez was born, he will also be sorrowful to her. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦ ਯਾਬੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਬੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ ਯਾਬੇਸ ਮੀਨਸ ਸੋਰੋਫੁਲ ਯਾਬੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਬੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਟ ਕੰਟਰਰੀ ਟੂ ਦਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਯਾਬੇਸ ਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨ पर समय तो बाद याबेस एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल गया पर उसकी आशा के विरुद्ध याबेस जो एक अच्छा व्यक्ति होके हो गया He went to be a man of God. वो परमेश्वर के जन के रूप में बदल गया वो परमेश्वर का मनुष्य या जन होके बदल गया He had a revelation about the God of Israel. उसको इसराइल के परमेश्वर के बारे प्रकाशन सी उसको इसराइल के परमेश्वर के बारे में प्रकाश था In the verse 10 when we read, Jabez called on the God of Israel. दस वचन असी पढ़िया कि याबेस ने इसराइल के परमेश्वर नु पुकारिया जैसे हम लोग दस वचन में पढ़ा कि याबेस ने इसराइल के परमेश्वर को पुकारा That means he accepted the God of Israel. ऐसा मतलब कि उसने इसराइल के परमेश्वर नु ग्रहण किया इसका मतलब यह है कि उसने इसराइल के परमेश्वर को माना नित ग्रहण किया God changed his life. परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया And also granted his petition. आदि उसकी अर्जोइयां नु पूरियां कीता और परमेश्वर ने उसकी बेनती को पूरा किया Because he had received the God of Israel as his God. क्योंकि उसने इसराइल दे परमेश्वर नु अपने परमेश्वर दे रूप विच ग्रहण कीता क्योंकि उसने इसराइल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर होकर मान लिया You know, God won't answer the prayer of sinners. आदि तुम जानते हो कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता जैसे आप लोग सब जानते हो कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता इन जॉन चैप्टर 9 वर्स 31 वी रीड यूहन्ना दी इंजील 9 अध्याय उसके 31 वचन दे विच असी पढ़ दिया यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय उसके 31 वचन में हम लोग पढ़ते हैं असि तो जानते हां जो परमेश्वर पापिया दी नहीं सुनदा पर जे कोई परमेश्वर दा भक्त होवे अते उसदी मर्जी उत्ते चले तां ओ उसदी सुनदा है Now we know that God heareth not sinners but if any man be a worshipper of God and doeth his will him he heareth So God will not answer the prayer of sinners इसलिए परमेश्वर पापियों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देवेगा परमेश्वर जो है वो पापियों की प्रार्थना का जवाब नहीं देता If any man worships the Lord and doeth his will God will hear him जेकर कोई परमेश्वर की उपासना करता है उसकी इच्छा करता है तो परमेश्वर ओदी सुनता है पर परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है सो जेबेस वाज वर्शिपिंग गॉड एंड ही कमिटेड हिमसेल्फ टू डू द विल ऑफ गॉड इस करके याबेस परमेश्वर के अगे प्रार्थना करता सी अते उसने अपने आप नु परमेश्वर की इच्छा दे लई समर्पित किया याबेस जो है वो परमेश्वर की उपासना करता था और उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अर्पण किया That is why God granted his petition. ऐसे करके परमेश्वर ने ओदियां पौणियां पूरियां कीतियां इसी करके परमेश्वर ने उसकी बेनती को पूरा किया If you worship the Lord and if you do the will of God, God will also grant your petition. जेकर तुसी परमेश्वर की उपासना करोगे परमेश्वर की इच्छा करोगे तब परमेश्वर तुहाडी बेनती नूं भी पूरा करेगा अगर आप लोग भी परमेश्वर की उपासना करोगे और उसकी इच्छा पर चलोगे तब परमेश्वर भी आपकी बेनती को पूरा करेगा इफ यू टर्न अवे फ्रॉम ऑल योर सिनफुल वेज एंड रिसीव जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर एंड डू हिज विल श्योरली ही विल Grant your petitions. जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह नु स्वीकार करोगे उसकी सिद्ध इच्छा नु करोगे अता परमेश्वर तुहाडियां अर्जोइयां तुहाडियां पौणियां नु पूरा करेगा अगर आप लोग प्रभु यीशु अपने पापों के रास्तों को छोड़कर प्रभु की तरफ मुड़कर उसकी इच्छा पर चलोगे तो प्रभु भी आपकी विनती को पूरा करेगा In Jeremiah 33 verse 3 we read Yirmiyah ki kitab 33 adhyay 3 vachan vich assi padde ha Yirmiyah ki kitab 33 adhyay uske 3 vachan mein hum log padte ha God says call unto me and I'll answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not परमेश्वर कहंदा है कि तू मेनू पुकार मैं तेनू वड्डे वड्डे अते अचंभे काम दिखावांगा जो तू नहीं जानदा परमेश्वर कहते मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता Even so,
Jabez called upon the God of Israel. ऐसी तरह याबेस ने इसराइल के परमेश्वर को पुकारिया और इसी तरीके से याबेस ने इसराइल के परमेश्वर को पुकारा. Jesus also said in John chapter 14 verse 14. यूहन्ना के इंजील 14 अध्याय 14 वचन के विच प्रभु यीशु मसीह ने भी किया. यस यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसके 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा. If you ask anything in my name, I will do it. जेकर तुसी मेरे नाम दे विच कुछ भी मंगोगे तो मैं वो करांगा. यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा. So when we have some needs of prayer, we can call upon the name of the Lord. इस करके साडियां प्रार्थना दे विच कुछ मंगा हुंदिया हन ता सानू परम इसराइल दे परमेश्वर नू पुकारना चाहिदा है. इस करके जब हम लोग प्रार्थना में कुछ मांगना चाहते हैं तब हमें इसराइल के परमेश्वर को पुकारना चाहिए. Jesus is able to answer all our prayers. प्रभु यीशु मसीह साडियां सारियां प्रार्थनावां दा उत्तर देने दे योग्य है. प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के योग्य है. Provided we commit ourselves to do his will. आते शर्त ही होनी चाहिए कि सानू अपने आप नू उसकी इच्छा करने समर्पित करना चाहिए. पर शर्त उसकी यही है कि हमें उसकी इच्छा को पर चलने के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहिए. Jabez called upon the God of Israel. याबेस ने इसराइल के परमेश्वर नू पुकारिया. याबेस ने इसराइल के परमेश्वर को पुकारा. What was his request? उसकी बेनती की सी. उसकी बेनती क्या था? He said, "Oh, that the Lord would have blessed me indeed." काश के तू मैंने सचमुच बरकत देंदा. भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता. काश के तू मैंने सचमुच बरकत देंदा ते मेरी हदा नु वधांदा. भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश भराता. Our God is a God of blessing. आज साडा परमेश्वर बरकतों का परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है. We must always ask for a blessing. जब याबेस ने जब उसे हमेशा बरकतों की मांग कर दिया. जब हम लोग उससे आशीष की मांग करते हैं. And Jabez asked for a blessing and God granted his request. याबेस ने बरकतों की मांग की थी ते परमेश्वर ने उसकी पौड़ियां पूरी की थी. याबेस ने आशीष की मांग किया और परमेश्वर ने उसकी बेनती को पूरा किया. What was his request? आती उसकी बेनती की सी. उसकी बेनती क्या था? He said, "Oh, that the Lord bless me indeed." And enlarge my coast. के तू सचमुच मैनू बरकत देंदा ते मेरी हदा नू वधांदा. भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता. Enlarge my coast means enlarge my border or the frontier. मेरी हदा नू वधांदा मतलब मेरी सीमा नू वधांदा. मेरे देश बढ़ाने का मतलब मेरी सीमा को बढ़ाना. I don't know in what respect Jabez prayed like this. मैनू पता नहीं कि किस तरीके या किस अर्थ दे विच याबेस ने इस तरह प्रार्थना की थी. मैं ये नहीं जानता कि किस मतलब से या किस अर्थ से याबेस ने ऐसे प्रार्थना किया. We can say enlarge my coast means we don't want to abide or stand in the same position. We want to go forward in our spiritual life. मेरिया हदा नू वधाउण दा मतलब ए है कि सानू अपने आत्मिक जीवन दे विच उसी जगह ते नहीं रहना चाहिदा. सानू अपने आत्मिक जीवन दे विच अग्गे वधना चाहिदा है. मेरे देश को बढ़ाना नहीं तो मेरी सेवा को बढ़ाने का मतलब ये है कि जिस अवस्था में हम लोग हैं हमें उसी में बने नहीं रहना पर हमें अपने आगे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है. But in these days we see people of God, they also pray, "Lord, enlarge my coast." पर असि वेखदे हां कि इन्हां दिनां विच परमेश्वर दे लोक भी यह प्रार्थना करदे हन कि परमेश्वर मेरियां हदां नूं वधा. हम लोग देखते हैं कि इन दिनों में भी परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे देश को तो बढ़ा दे. Perhaps they may have one acre of land. They want to have two more acres. शायद उन्होंने कोल एक एकड़ जमीन होएगी तो होर भी दो एकड़ जमीन प्राप्त करना चाहते होंगे. शायद उनके पास एक एकड़ का जमीन होगा और वो लोग दो एकड़ जमीन चाहते होंगे. Lord, I have only one house. I want two houses. परमेश्वर मेरे को केवल एक ही कार है. मैंने दो घर चाहिए. हे परमेश्वर मेरे पास सिर्फ एक घर है. मुझे दो घर चाहिए. I have only one job. I want two houses, two jobs. परमेश्वर मेरे को एक ही नौकरी है. मैंने दो नौकरियां चाहिए. हाँ हे परमेश्वर मेरे पास एक ही नौकरी है. मुझे दो नौकरियां चाहिए. सो लिटरली दे वांट टू गेट ब्लेसिंग्स. इस तरह शाब्दिक रूप में बरकतें प्राप्त करना चाहते हैं. इस तरह से आशीष तरीके पर वो आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं. अगर ओनली वन कार, नाउ आई वांट टू कार्स. मेरे को केवल एक ही कार है. हूं मैंने दो कारा चाहिए. हाँ मेरे पास एक ही कार है. अब मुझे दो कारें चाहिए. इज इट लाइक दैट?
कि इसरा है क्या ये ऐसे है ये लॉर्ड माय कोस्ट मेरी यहां हदा नु वधा मेरी सीमा को तो बढ़ा दे ऑफ कोर्स इफ वी हैव अ नीड गॉड नोज दैट नीड हां जेकर साड़ी कोई जरूरत है तो परमेश्वर साड़ी जरूरत तो जानता है हां अगर हमारी कोई जरूरत है तो परमेश्वर उस जरूरत को जानता है इवन द चर्च मे हैव सो मेनी नीड्स इतों तक कलीसिया दी बहुत सारी जरूरत होंगी यहां तक कि कलीसिया में भी उनकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं सो इवन हियर वी सी दिस प्लेस इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस आते असी देख रहे हैं कि जगह साडे लिए काफी नहीं है यहां पर हम देखते हैं कि ये स्थान हमारे लिए बहुत नहीं है वी प्रे लॉर्ड वी नीड सम मोर लैंड आते असी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सानू कुछ और भी जमीन चाहिए है और हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें और भी जमीन चाहिए गॉड नोस ऑल आवर नीड्स परमेश्वर साड़ियां सारी जरूरतों नु जानता है परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को जानता है इफ इट इज अ नेसेसिटी श्योरली गॉड विल गिव अस जेकर ये जरूरत है तो निश्चय परमेश्वर सानू देवेगा अगर ये सचमुच हमारी जरूरत है जरूर परमेश्वर उसको देगा इट्स नॉट जस्ट बी सैटिस्फाइड विद एर्थली ब्लेसिंग्स और मटेरियल ब्लेसिंग्स सानू केवल धरती दियां या भौतिक वरतां दे नाल ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए हमें जो इस पृथ्वी के आशीष है और हमारी भौतिक आशीष से संतुष्ट नहीं होना चाहिए वी नीड अ स्पिरिचुअल एनलार्जमेंट आते सानू आत्मिक वाधा या विकास भी चाहिए है और हमें जो है आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना है लॉर्ड एनलार्ज माय कोस्ट परमेश्वर मेरी हदा नु वधा हे परमेश्वर मेरी सीमा को तो बढ़ा दे वेल सी यू माइट रिसीव ओनली सैलवेशन ऑन वाटर बैप्टिज्म You must say, Lord, I want to receive the Holy Spirit also. शायद तुसी मुक्ति प्राप्त की होगी पानी का बपतिस्मा लिया होगा अति हम तुम्हें कहना चाहिए कि परमेश्वर मैंने पवित्र आत्मा की बरकत भी दे शायद आपने उद्धार को प्राप्त किया होगा पानी का बपतिस्मा लिया होगा पर आपको ये भी कहना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दे Don't be satisfied with the present position. साड़ी जो वर्तमान पदवी है उसी दी नाल ही सानू संतुष्ट नहीं होना चाहिए हमारी वर्तमान अवस्था में हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए यू मस्ट हैव अ डिसाइड टू गो फॉरवर्ड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ तुहाडी अंदर अपने आत्मिक जीवन दे विच अग्गे वधन दी इच्छा होनी चाहिए है आपको अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहत होनी चाहिए एज यू आर नॉट रीडिंग द बाइबल यू मस्ट प्रे लॉर्ड एनलार्ज माय बाइबल रीडिंग I want to read the Bible more and more. शायद तुसी ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ते होगे तो अनु ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी बाइबल दी सीमा नु वधा मैं वध तो वध बाइबल पढ़ना चाहिए शायद आप लोग ज्यादा पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते होगे पर आपको ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु ज्यादा से ज्यादा पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए तू मुझे मदद कर Lord, enlarge my prayer life. Increase my prayer life. परमेश्वर मेरे प्रार्थना जीवन नु वधा मेरी प्रार्थना जीवन नु होर भी विशाल बना हे प्रभु मेरे प्रार्थना जीवन को तो आगे और भी बढ़ा दे Lord, enlarge my love or increase my love. परमेश्वर मेरे प्रेम नु वधा परमेश्वर मेरे प्रेम नु होर भी विकसित कर हे प्रभु मेरे प्यार को तेरे प्रति और भी बढ़ा दे I have only little faith. Lord, increase my faith. परमेश्वर मेरा थोड़ा सा विश्वास है मेरे विश्वास में वधा हे प्रभु मेरा विश्वास बहुत ही थोड़ा है मेरे विश्वास को तू बढ़ा दे I have only some anointing. I need more anointing. मेरे को थोड़ा सा मसा है मैंने और भी मसा चाहिए है मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा अभिषेक है मुझे और भी अभिषेक चाहिए I want to go from holiness to holiness. Increase my holiness. मैं पवित्रताई तो पवित्रताई विच वधना चाहता हाँ मेरी पवित्रताई नु वधा हे प्रभु मैं पवित्रताई से पवित्रताई में बढ़ना चाहता हूँ पवित्रताई को और बढ़ा दे Increase my victorious life. मेरे फतेहमंद जीवन नु वधा मेरे जयवंत जीवन को बढ़ा दे Enlarge my coast. मेरी हदा नु वधा मेरी सीमा को तू बढ़ा दे I don't know what respect Jabez prayed, but we must pray in these ways. मैनु नहीं पता याबेस ने किस अर्थ दे नाल प्रार्थना की होगी पर सानू इस तरीके नाल प्रार्थना करनी चाहिए मैं ये नहीं जानता कि याबेस ने किस मतलब से प्रार्थना किया होगा पर हमें इस अर्थ के साथ प्रार्थना करना चाहिए We need a spiritual enlargement. सानू आत्मिक विकास या वाधा चाहिए हमें जो है आत्मिक जीवन में जो है बढ़ोतरी चाहिए Lord, I'm coming only for Sunday services. I want to come for the Bible study also. I want to come for the tearing meeting also. परमेश्वर मैं केवल इंतजार दी इबादत दे विच ही आंदा हां मैं बाइबल अध्ययन दे लई भी अते
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਤਾ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਟੈਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਇਨਕ੍ਰੀਸ ਮਾਈ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਚਰਚ ਟੂ ਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸੇਂਟਸ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਔਰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦੇ ਸੋ ਵੀ ਮਸਟ ਆਸਕ ਫਾਰ ਅ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇ ਆਤਮਿਕ ਬੜੋਤਰੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ Lord, I am not doing any ministry for you. I want to do some ministry for you. परमेश्वर मैं तेरे लिए कोई सेवा नहीं करता मैं तेरे लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ हे प्रभु मैं तेरे लिए किसी भी तरह की सेवा नहीं करता मैं तेरे लिए सेवा करना चाहता हूँ Those who can do the Sunday school ministry, you can do that ministry. जो संडे स्कूल की सेवा कर सकते हैं वो संडे स्कूल की सेवा करनी चाहिए जो लोग संडे स्कूल की सेवा करना चाहते हैं वो लोग संडे स्कूल की सेवा करना चाहिए नॉट ओनली द सर्व ऑफ गॉड इवन द बिलीवर्स हैव टू डू सम मिनिस्ट्री केवल परमेश्वर के सेवक ही नहीं सबो विश्वासियों ने भी कुछ सेवा करनी चाहिए सिर्फ परमेश्वर के सेवादारों को नहीं पर जो विश्वासी लोग हैं उनको भी परमेश्वर की सेवा करना चाहिए यू कैन विजिट सोल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ट्रैक्स and bring them to salvation tusi ruhan de naal mulaqat kar sakde ho unhan nu tracks de sakde ho unhan nu mukti vich le aa sakde ho aap log jo hai aaj nayi aatmaon ke sath mulaqat kar sakte ho unko tracks de sakte ho unko kalisya mein lekar aa sakte ho if you have been called for the full time ministry you can surrender yourself for this full time ministry जेकर तुसी पूरे जीवन भर दे लई सेवा दे लई सद्दे गए हो तो तुहानूं जीवन भर अपनी सेवा दे लई समर्पित करना चाहिए अगर आपको पूरे जीवन भर सेवा करने के लिए आपको बुलाहट है तो उसके लिए आपको अर्पण करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी You can do some ministry for the Lord. सद्दे दे अनुसार अते योग्यता दे अनुसार तुसी परमेश्वर दे लई कुछ सेवा कर सकदे हो अपने बुलाहट के अनुसार और योग्यता के अनुसार आप परमेश्वर की सेवा करना चाहिए In those days we read even the women folk they followed Jesus and they served him. अति उना दिना दे विच असी पढ़दिया इत्थों तक कि औरतां भी प्रभु यीशु मसीह दे पिछे उतरियां अति उसकी सेवा कर दिया सन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि उन दिनों में स्त्रियां भी प्रभु के पीछे हो ले और उसकी सेवा करती थी लूक चैप्टर 8 वर्स 3 लूका दिन जी 8वां अध्याय तीसरा वचन लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय तीसरा वचन अति हेरोदेश दी दीवान खजुए नाम दी तिवी योना सुसन्ना अति होर बथेरियां जो अपने माल नाल उन्ना दी टहल सेवा कर दिया एंड जोएना द वाइफ ऑफ कूजा हेरोद स्टूवर्ड एंड सुसन्ना एंड मेनी अदर्स विच मिनिस्टर्ड अनटू हिम ऑफ द सब्सटेंस सो इवन मेनी विमेन दे फॉलोड द लॉर्ड And ministered unto him through the substance. आते इतु तक के बहुत सारियां औरतां में प्रभु यीशु मसीह की पैरवी कर दिया सन आते अपने माल दी नाल उसकी सेवा टहल कर दिया सन और बहुत से स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी और अपनी संपत्ति के साथ उनकी उसकी सेवा करती थी In what own capacity you can do the ministry for the Lord, you can do. तुसी अपनी जिस भी समर्था या योग्यता दे नाल प्रभु की सेवा कर सकते हो तो करनी चाहिए आपको अपनी सम्मत के साथ जितनी सेवा कर सकते हो उतना करना चाहिए लॉर्ड एनलार्ज माय कोर्स परमेश्वर मेरी हदा नु वधा हे परमेश्वर मेरी सीमा को तो बढ़ा दे इवन द बॉडी बॉडी हैज सम लिमिट्स और वी कैन से सम बॉर्डर इथो तक की साड़ी शरीर की एक सीमा है एक हद है उसकी ताकत की एक हद है और हमारे यहाँ जो शरीर है उसकी शक्ति नहीं तो ताकत की भी एक सीमा है There is a head to the body and there are hands and there are legs like that. शरीर दे सिर है हाथ है पैर है इस तरह है हमारे शरीर में हमारे लिए एक सिर है और जो हाथ पैर है In the face also we have eyes and ears and mouth. आते चेहरे दे उते भी साड़ी अखा हैं कान है मुंह है और हमारे चेहरे के ऊपर हमारी आंखें हैं कान है और मुंह है सो यू मस्ट प्रे लॉर्ड एनलार्ज माय हेड इस तरह सानू प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे सिर नु वधा और हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर तू मेरे सिर को बढ़ा दे इट डजंट मीन दैट वी मस्ट हैव अ बिग हेड लिटरली इसका मतलब ये नहीं कि सारा सिर बड़ा होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिर बहुत बड़ा होना चाहिए एनलार्ज माय विजडम एनलार्ज माय नॉलेज मेरी बुद्धि नु वधा मेरे ज्ञान नु वधा मेरी बुद्धि को और मेरे ज्ञान को तो बढ़ा दे एनलार्ज माय ईयर्स मेरे कन्ना नु वधा दे मेरे कानों को तो बढ़ा दे दैट डजंट मीन वी मस्ट हैव
big ears. ऐसा मतलब ये नहीं कि सारे कान बड़े बड़े होने चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कान जो है बहुत बड़े बड़े होने चाहिए. I want to hear the word of God more and more. परमेश्वर में वध तो वध परमेश्वर का वचन सुनना चाहता हूँ. मैं परमेश्वर में ज्यादा से ज्यादा तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ. Enlarge my mouth. मेरे मुंह को बढ़ा दे. तू मेरे मुंह को बढ़ा दे. That doesn't mean we must have a big mouth. ऐसा मतलब ये नहीं कि सदा मुंह बहुत बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मुंह बहुत बड़ा होना चाहिए. Talk about the glory of God more and more. परमेश्वर में वध तो वध तेरी महिमा के बारे बोलना चाहता हूँ. मैं परमेश्वर में ज्यादा से ज्यादा तेरी महिमा के बारे में बोलना चाहता हूँ. आज मैं विषय मेरे दर्शन बता दे. मेरे दर्शन को बढ़ा दे. I don't want to go to new earth or new heaven. I want to go to new Jerusalem and Zion. मैं नवी धरती ते नवे आकाश ते नहीं जाना चाहता. मैं नवे यरूशलेम ते सियोन जाना चाहता हाँ. मैं नई धरती और नए आकाश में नहीं जाना चाहता पर मैं नए यरूशलेम में जाना चाहता हूँ. So we must ask for a spiritual enlargement. इस करके सानू आत्मिक वाद्यों के विकास की मांग करनी चाहिए. इस करके हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जो है वो मांग करनी चाहिए. Jabez prayed, Lord, enlarge my coast. याबेस ने प्रार्थना की थी परमेश्वर मेरी हद्दां वधा. और याबेस ने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर मेरे देश को तो बढ़ा दे, मेरी सीमा को बढ़ा दे. And God answered his prayer. परमेश्वर ने ओदियां पौड़ियां पूरियां की थी. और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया. Even so, the Lord is able to answer prayer. ऐतू ताकि परमेश्वर सारी प्रार्थना का उत्तर देने दे भी योग्य है. और यहाँ तक हमारा परमेश्वर जो है हमारी भी प्रार्थना को उत्तर देने के योग्य है. We must ask for the spiritual blessings more than the material blessings. सानू भौतिक बरकतों नालों वध के आत्मिक बरकतां की मांग करनी चाहिए. हमें जो है इस भौतिक आशीषों से बढ़कर जो है आत्मिक आशीषों की मांग करनी चाहिए. Lord, enlarge my course. I want to go forward in my spiritual life. परमेश्वर मेरी हद्दां नूं वधा. मैं अपने आत्मिक जीवन में अग्गे वधना चाहिदा हाँ. हे परमेश्वर मेरी सीमा को तो बढ़ा दे. मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहता हूँ. I want to be caught up at the coming of the Lord. हे प्रभु मैं तेरी आमद में उठाया जाना चाहता हूँ. हे प्रभु मैं तेरे आगमन में उठाया जाना चाहता हूँ. Let our prayer request be like that. साड़ी प्रार्थना की मांग इस तरह होनी चाहिए. हमारी प्रार्थना की मांग ऐसे होनी चाहिए. And again Jabez prayed, and that thy hand might be with me. आते फिर याबेस ने प्रार्थना की थी कि जे तेरा हाथ मेरे नाल रहंदा. और उसके बाद याबेस ने प्रार्थना किया तेरा हाथ मेरे साथ रहता. That thou wouldst keep me from evil. आते तू मैनू बुराई तो बचाऊंदा और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता. Jabez was very sure that if the hand of the Lord was not with him, he would not receive any blessings. याबेस ने इस गल दे बारे पूरा यकीन सी कि जेकर परमेश्वर का हाथ मेरे नाल ना होया तो वो कोई बरकत प्राप्त नहीं कर सकेगा. याबेस को ये पूरा निश्चय था कि अगर परमेश्वर का हाथ उसके साथ नहीं हुआ तो वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएगा. We must also pray, Lord, that the hand of God be with me. सानू भी इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे नाल होना चाहिए. हमें भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहे. We read how the mighty hand of God deliver the children of Israel from Egypt. आते उसी वेख्या कि किस तरह परमेश्वर की बलवंत पूजा ने इसराइली बच्चिया नु मिस्र तो छुड़ाया. और हम लोग ऐसे देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के पराक्रमी हाथ ने इसराइलियों को मिस्र से छुड़ा लिया. Deuteronomy chapter 5 verse 15. व्यवस्था सार पंचवा अध्याय 15 वचन. व्यवस्था से व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसको 15 वचन. अति याद रख कि तू मिस्र देश विच गुलाम से है. अति यहोवा तेरे परमेश्वर ने बलवंत हाथ नाल अति बाह लंबी करके तेनु काट लिया. इसलिए यहोवा तेरा परमेश्वर तेनु सबत मनन दा हुक्म दिंदा है. एंड रिमेम्बर दैट थाउ वास अ सर्वेंट इन द लैंड ऑफ इजिप्ट एंड दैट द लॉर्ड थाई गॉड ब्रॉट थी आउट देंस थ्रू अ माइटी हैंड and by your outstretched arm. Through the mighty hand the Lord brought the children of Israel out of Egypt. Parmeshwar balwant hath de naal israeli bachiyan nu misr de vichon kad le aaya. Parmeshwar apne balwant hath ke saath jo hai israeli ko misr se bahar lekar aaya. In the children of God sometimes we see after having received the salvation or after having come out of Egypt that is sinful life again they go back to Egypt. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹਮ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਜਾਂ ਲੋਕੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਿਸਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇ ਮਿਸਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਬਾਪ ਮੇ ਫਿਰ ਸੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ. ਸਮ ਆਫ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਲ ਇਨ ਅ ਬੈਕਸਾਈਡਿੰਗ ਸਟੇਟ. कुछ परमेश्वर के बच्चे पीछे हटी हुई हालत विच हन. कुछ परमेश्वर के जो लोग हैं वो पीछे हटी हालत में हैं.
इफ यू वॉन्ट टू कम अपट द बैक साइड स्टेज देन यू मस्ट प्रे लॉर्ड लेट द माइटी हैंड ऑफ गॉड बी विथ मी। जेकर तुम पिछे हटी हुई हालत बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें यह प्रार्थना करनी चाहिए है कि परमेश्वर तेरी बलवंत हाथ मेरे नाल होना चाहिए है। अगर आप लोग अपने पीछे हटी हालत से बाहर आना चाहते हो तो आपको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु तेरा बलवंत हाथ मेरे साथ रहने दे। ओनली द माइटी हैंड ऑफ गॉड कैन ब्रिंग यू आउट ऑफ योर बैकवर्ड स्टेट। केवल परमेश्वर का बलवंत हाथ ही तुम्हारी पीछे हटी हुई हालत तो बाहर ले आ सकता है। सिर्फ परमेश्वर का बलवंत हाथ ही आपको आपके पीछे हटी हालत से बाहर लेकर आ सकता है। डोंट बी इन इजिप्ट एनीमोर। परंतु बाद मिस्र विच ना रहो, अब से तुम लोग मिस्र में मत रहो। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू डिलीवर यू। परमेश्वर तुम्हें छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। He says in Jeremiah chapter 3 verse 22, return unto me all the backsliding children, I will heal your backslidings. यर्मियाह की किताब तीजा अध्याय 22 वचन दे विच परमेश्वर कहंदा है कि हे बेईमान पुत्रो मुड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हटन का इलाज करांगा। और यर्मियाह की किताब 30 अध्याय उसके 22 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर से भटकने वाले लड़को, तुम लोग अपना भटकना सुधार लो। You must make a decision to return unto the Lord. शायद कि परमेश्वर दी वाल मुड़न दे लई फैसला किया होगा। हो सकता है कि आपने परमेश्वर की तरफ मुड़ने का फैसला किया होगा। And the mighty hand of God will deliver you from your backsliding state. परमेश्वर का बलवंत हाथ तुम्हारी पीछे हटी हुई हालत तो छुटकारा देगा। परमेश्वर का बलवंत हाथ जो है वो आपके भटकने वाली हालत से आपको छुटकारा देगा। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। We also read in the word of God how the mighty hand of God provided food for the children of Israel in the wilderness. आते ऐसे परमेश्वर के बलवंत हाथ के बारे ये भी पढ़ दिया कि किस तरह परमेश्वर ने इसराइली बच्चों को उजाड़ते हुए भोजन मुहैया किया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के बलवंत हाथ के बारे में ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह से उसने परमेश्वर के बच्चों को जंगल में भोजन दिया। Numbers chapter 11 verse 23. गिनती की किताब 11 अध्याय 23 वचन, गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 23 वचन। And also verse 31. आते 23 and 31 वचन, गिनती की किताब 11 है उसका 23 और 31 वचन। तो यहोवा ने मूसा नु आख्या कि यहोवा का हाथ छोटा हो गया, हुन तू वेख की मेरी गल तेरे लिए पूरी हुंदी है कि नहीं। 31 वचन, तो यहोवा वालों एक हवा बगी अते समुद्रों बटेरे उड के डेरे उत्ते सुटे गए। वो एक दिन दे पेंडे थी इधर अते एक दिन दे पेंडे थी उधर, डेरे दे आले दुआले दो दो हाथ ते जमीन दी परत उत्ते सन। एंड द लॉर्ड सेड अनटू मोसेस, इज द लॉर्ड्स हैंड वैक शॉर्ट, दाउ शल सी नाउ वेदर माई वर्ड शल कम टू पास अनटू दी और नॉट। And there went forth a wind from the Lord, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp, as it were the day's journey on this side, and as it were the day's journey on the other side, round about the camp, and as it were 2 cubits high upon the face of the earth. Yes, when the children of Israel asked for the meat, the hand of God provided their meat. जब इसराइली बच्चों ने मांस की मांग की थी, तब परमेश्वर के हाथ ने उन्होंने वो मुहैया करके दिता। जब इसराइली बच्चों ने मांस की मांग किया, तब परमेश्वर ने परमेश्वर के हाथ ने उनकी मांग को पूरा करके दिया। स्ट्रॉन्ग मीट, सानू भी सख्त भोजन की मांग करनी चाहिए, हमें भी जो है कठोर या सख्त भोजन की मांग करनी चाहिए। वी नीड स्ट्रॉन्ग मीट टू गो फोर्थ इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सानू अपने आत्मिक जीवन में चगे वधन दे लई सख्त भोजन की जरूरत है, हमें भी अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सख्त भोजन की जरूरत है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। The mighty hand of God is able to feed you. परमेश्वर का बलवंत हाथ थोड़ा पालन पोषण करने के योग्य है, परमेश्वर का बलवंत हाथ आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने के योग्य है। Maybe in the wilderness path. तुसी उजाड़ के रस्ते भी हो सकते हो, हो सकता है कि आप जंगल के मार्ग पर हो गए। इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, पर जे तुसी अपने आत्मिक जीवन में चगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप लोग अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, यू नीड स्ट्रॉन्ग मीट, तो तुम्हें सख्त भोजन की जरूरत है, तब हमें सख्त भोजन की जरूरत है। ओनली व्हेन वी ईट द स्ट्रॉन्ग मीट वी कैन गो टू परफेक्शन। ज्यादा से सख्त भोजन खाते हैं तभी इसे सिद्धता वाल बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग सख्त भोजन को कहेंगे तभी हम संपूर्णता की तरफ बढ़ सकेंगे। The hand of God should be with us. परमेश्वर का हाथ साथ नाल होना चाहिए, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होना चाहिए। Lord, the hand be with me. परमेश्वर जे तेरा हाथ मेरे नाल होएगा, तो हे
परमेश्वर अगर तेरा हाथ मेरे साथ है तो वी हैव टू गो फॉरवर्ड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। सानू अपने आत्मिक जीवन में चगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वी ऑल्सो रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड हाउ द हैंड ऑफ गॉड वॉज विद एलाइजा। आते सी परमेश्वर के वचन में ए भी पढ़ दिया कि किस तरह परमेश्वर का हाथ एलिया के नाल सी। हम लोग परमेश्वर के वचन में ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह परमेश्वर का हाथ एलिया के साथ था। एंड वी सी दैट हाउ ही रैन बिफोर द चैरियट। आते सी ये भी पढ़ दिया कि किस तरह वो रथ के आगे दौड़िया, और हम लोग ये भी देखते हैं कि वो किस तरह रथ के आगे दौड़ा। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 46। पहला राजा 18 दे 46 वचन। पहला राजा 18 दे उसको 46 वचन। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਏਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੀ ਹੈਂਡ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਵਾਸ ਔਨ ਏਲੀਜਾ ਐਂਡ ਹੀ ਗਰਡਡ ਅਪ ਹਿਸ ਲੋਇੰਸ ਐਂਡ ਰੈਨ ਬਿਫੋਰ ਏਹਵ ਟੂ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆਫ ਜ਼ਿਜ਼ਰੀ। ਜੀ ਹੀ ਰੈਨ ਬਿਫੋਰ ਦ ਚੈਰੀਅਟ ਆਫ ਏਹਵ। देखो वो अहाब दे रथ दे अगे दौड़े आ, वो अहाब का जो रथ था उसके आगे दौड़ता चला गया। सो वी अंडरस्टैंड हाउ मच स्पीड ही वाज रनिंग। आती ऐसी समझ सकते हो कि वो कितनी तेज रफ्तार नाल दौड़िया होएगा। इससे आप समझ सकते हो कि वो कितनी तेजी से दौड़ा होगा। टू रन बिफोर द चैरियट, द रन बिफोर द चैरियट मींस वी नीड मोर स्ट्रेंथ। मतलब रथ के आगे दौड़न दे रही सानू बहुत ताकत चाहिए। इसका मतलब ये है कि रथ के आगे आगे दौड़ने के लिए हमें बहुत शक्ति की जरूरत है। बिकॉज द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज विथ हिम। क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके नाल सी। क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। Even so, only when the hand of the Lord is with us, we can run our spiritual race. आते इसी तरह जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल होएगा तां असीं अपनी आत्मिक दौड़ नूं दौड़ सकदे हां। और इसी तरीके से अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा तब हम लोग अपनी आत्मिक दौड़ को दौड़ सकेंगे। Some people they train, they become weary, they are not able to run the race. कुछ लोग थक जांदे हन, अक जांदे हन, और निटार हो जांदे हन, और दौड़ नूं दौड़न दे योग नहीं हुंदे। और कुछ लोग जो है वो थक जाते हैं, अपने दौड़ को वो दौड़ने के योग्य नहीं होते। Jesus, the author and the finisher of faith, we must run the race till the very end. That we need strength. सानू अपने निश्चय दे करता ते सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह नु देखदे होए अंत तक इस दौड़ नु दौड़ना चाहिए है। अते उसके लिए सानू ताकत या बल दी जरूरत है। हमारे विश्वास को तो परमेश्वर को देखते हुए हमें अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए, और उसके लिए हमें शक्ति की जरूरत है। इफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज नॉट विद अस वी कैन नॉट रन आवर रेस। जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल नहीं तो असि ये दौड़ दौड़ नहीं सकते। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ नहीं है तो हम इस दौड़ को दौड़ नहीं सकेंगे। आई डोंट नो व्हाट रिस्पेक्ट जेबेस प्रेड The hand of the Lord should be with him. मैनु नहीं पता कि याबेश ने किस मतलब दे नाल ये प्रार्थना की थी कि परमेश्वर का हाथ मेरे नाल रहना चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि याबेश ने किस मतलब या अर्थ के साथ पता किया कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ होना चाहिए। The word of God says, the right hand of God doeth valiantly. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का सज्जा हाथ सुरम गति कर दे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रमी काम करता है। Which we read in Psalm 118 verse 15. जो असि ज़बूर 118 उसके 15 वचन में पढ़ते हैं, जो कि हम भजन संहिता 118 उसके 15 वचन में पढ़ते हैं। राइट हैंड ऑफ गॉड डूएथ वैलिएंटली। परमेश्वर का सज्जा हाथ सुरम गति कर दे, और परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रम में काम करता है। The Lord also says in Isaiah 40 verse 10. परमेश्वर यशायाह की किताब 41 अध्याय 10 वचन में कहता है, और यशायाह की किताब 41 अध्याय उसके 10 वचन में ऐसे कहता है, फियर नॉट, आई एम विद थी। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे संग, मैं तेरे साथ हूँ। बी नॉट डिसमेड, आई एम थाय गॉड। तेरा मन कच्चा ना हुए, मैं तेरा ही हुआ परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आई विल स्ट्रेंथन दी, आई विल हेल्प दी, एंड अपहोल्ड दी विद द राइट हैंड ऑफ माई राइटियसनेस। मैं तेरी सहायता करांगा, मैं तेनू बलवंत करांगा, मैं तेनू अपने धर्म के सज्जे हाथ के नाल संभालांगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दैने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। So the hand of God is with us, we will not have any fear. जेकर परमेश्वर का हाथ थोड़े नाल है तो तुहानू किसी गल तो डरन की जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर का हाथ आपके साथ है तो आपको किसी भी बात का भय खाने की जरूरत नहीं है। The hand of God will help us and strengthen us and uphold us. परमेश्वर का सज्जा हाथ साडी सहायता करेगा, सानू बलवंत करेगा, सानू थम्मी रखेगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमें दृढ़ करेगा, हमें बलवंत करेगा और हमारी सहायता करेगा। वी विल नॉट फॉल। असी डिगांगे नहीं, हम लोग गिरेंगे नहीं। Hand of God is able to uphold us. परमेश्वर का हाथ सानू चुकी रखन, थम्मी रखन दे योग है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमें उठाए रखने के लिए योग्य है। The promise of the Lord says, He is able to keep you from falling and present you faultless
बिफोर द प्रेजेंस ऑफ हिज ग्लोरी विद एक्सीडिंग जॉय। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुहानू डिगन तो बचा सकता है अति पूर्ण पवित्रता दे नाल परमेश्वर की महिमा के सन्मुख खड़ा कर सकता है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। सो लेट अस ऑल्सो प्रे Lord, the hand of God be with me. ऐसी तरह सानू भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे नाल रहना चाहिए। इसी तरीके से हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहने दे। The hand of the Lord may strengthen us and uphold us, and we will not fall. जेकर परमेश्वर का सानू हाथ सानू बलवंत करेगा थम्मी रखेगा तो असि डिगांगे नहीं। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहेगा वो हमें बलवंत करेगा दृढ़ करेगा वो हमें गिरने नहीं देगा। The hand of the Lord is with us. He will also do many good things. जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल है तां ओह साडे लई बहुत चंगे काम करेगा। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो वो हमारे लिए भले काम करेगा। In Nehemiah chapter 2 verse 18 we read. नहेमिया की किताब दूसरा अध्याय 18 वचन में जैसे ही पढ़ते हैं नहेमिया की किताब दूसरा अध्याय उसके 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। How they were able to build up the broken walls of Jerusalem. और किस तरह यरूशलम की टूटी हुई शहर पना को बना सके वो लोग किस तरह से यरूशलम की टूटी हुई शहर पना को बना सके। नहेमिया 2:18 नहेमिया की किताब दूसरा अध्याय 18 वचन नहेमिया की किताब दूसरा उसका 18 वचन तब मैं उन्होंने दसिया कि मेरे परमेश्वर का हाथ किस तरह मेरे उत्ते नेकी ले सी अते पाशा दिया गल्ला जेड़िया उस मैनु आखिया सन ता उन्हें आखिया आओ असि उठिए ते बनाइए ता उन्होंने इस नेक काम लई अपने हाथों नु तकड़िया कीता। देन आई टोल्ड देम ऑफ द हैंड ऑफ माय गॉड विच वॉज गुड अपॉन मी एज ऑल्सो द किंग्स वर्ड दैट ही हैड स्पोकन अन टू मी एंड दे सेड लेट अस राइज अप एंड बिल्ड so they strengthen their hands for this good work. Yes, the hand of God was with upon Nehemiah. आते परमेश्वर का हाथ नहेमिया के ऊपर भी थी और परमेश्वर का हाथ नहीं तो उसकी कृपा दृष्टि नहेमिया के ऊपर भी थी। The others also helped him to build up the buildings. आते दूजा ने उसने उस दीवार या शहर पना को बनाने की सहायता की थी और दूसरे लोगों ने भी उस शहर पना को बनाने के लिए दूसरे लोगों ने उसकी सहायता किया। We also have many building works. साडा भी इतने बहुत सारा इमारत का काम है यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी इमारत का काम है। The hand of the Lord should be upon us. परमेश्वर का हाथ साडे उत्ते होना चाहिए परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। So God will raise people to also to help us to build our buildings. जेकर इस तरह का इमारत बनाने दिले परमेश्वर लोगों को साडी सहायता करने खड़ा करेगा। अगर ऐसा है तो परमेश्वर का हाथ दूसरे लोगों को हमारी इमारत बनाने के लिए मदद करेगा। Literally also we are building buildings in many places. आते ऐसी तरह और भी कई थावां ते ऐसी इमारत बना दिया इसी तरह से हम और भी स्थानों पर इमारत को बनाते हैं। Above all, we must build our life in the most holy faith. आते सब तो वाद के सानू अति पवित्र निश्चय ते अपने जीवन में उतारना चाहिए। सबसे बढ़कर जो हमें अपने अति पवित्र विश्वास के ऊपर इमारत को बनाना चाहिए। It should not be just such as the material buildings. सानू केवल एक भौतिक इमारतों के नाल ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें सिर्फ ये वस्त्र से बना हुए इमारत से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। What do we read in Jude verse 20? आसी यहूदा की पत्री 20 वचन में की पढ़ दिया। हम लोग यहूदा की पत्री उसके 20 वचन में क्या पढ़ते हैं? पर तुसी हे प्यारियो अपने आपनु अपनी अति पवित्र नेचा उते उसारे जाओ अति पवित्र आत्मा विच प्रार्थना करदे होए। But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Yes, building ourselves in the most holy faith. आपने आपनु अति पवित्र नेचा उते उसारे जाओ और हम लोग अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहे। Because we are going to the most holy place. क्योंकि साड़ी जगह जो है अति पवित्र जगह है क्योंकि हमारा स्थान जो है अति पवित्र स्थान है। It is true literally also when the hand of the Lord is upon us He will help us to build buildings. आते शाब्दिक तौर पे भी सच है जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल होएगा तो वो इमारत बनाने लिए साडी सहायता करेगा। आक्षर तौर पर भी सच बात है कि अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो वो हमारी जो है इमारत बनाने में सहायता करेगा। तो सब तो बाद के सानू अपने आत्म पवित्र नेचर को उसारना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए। सो दैट वी कैन बी फाउंड इन द मोस्ट होली प्लेस दैट इज ज़ायन इन जेरुसलेम इन इटर्निटी। ताकि असी अति पवित्र स्थान सियों ते नवे यरूशलेम विच पाए जा सकिए जो सदी पर पाई विच है ताकि हम लोग जो अति पवित्र स्थान जो कि सियों और यरूशलेम है वहां पर पाए जा सके जहां अनंत जीवन है।
So what is your prayer? Let the hand of God be with me. इस करके उसी प्रार्थना की सी जेकर परमेश्वर का हाथ मेरा नाल होवे. इस करके उसका प्रार्थना ये था कि अगर उसका हाथ मेरे साथ हो. The hand of the Lord is also able to heal our sicknesses. परमेश्वर का हाथ साड़िया बीमारियां तो शिफा देने दे भी योग्य है. परमेश्वर का हाथ हमें हमारे रोगों से चंगा करने के योग्य है. The hand of the Lord should touch us. परमेश्वर का हाथ हमें छूना चाहिए. परमेश्वर का हाथ हमें छूना चाहिए. So we can have healing. जेकर इस तरह से शिफा प्राप्त कर सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम लोग चंगाई को प्राप्त कर सकेंगे. You can seek many medical remedies and medicines, but it won't help unless the hand of the Lord touches you. तुसी कई तरह के आयुर्वेदिक दवाइयां ते इलाज ले सकते हो, पर जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल नहीं तो असीं शिफा नहीं पा सकते. हम लोग कई दवाइयों का कई इलाज को देखते हैं, पर अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ नहीं है तो हम लोग चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते. मत्ती 3:8 में हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कूड़ी कोड़ी नो छू के शिफा दी थी, और किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ी को छुआ और उसको चंगा किया. ता उसने हाथ लम्मा करके ओनु छुया ते आख्या, मैं चाहुंदा हां तू शुद्ध हो जा. अते उससे भी नहीं ओदा कोल जांदा रिया. एंड जीसस पुट फोर्थ हिज हैंड एंड टच्ड हिम सेइंग, आई विल बी दाउ क्लीन. आई विल बी दाउ क्लीन. मैं चाहुंदा हां कि तू शुद्ध हो जा. मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा. The hand of the Lord touched him and he was delivered from the leprosy. परमेश्वर के हाथ ने उसने छुया आते वो कोर तो छुटकारा प्राप्त किया. परमेश्वर के हाथ ने उसको छुआ और उसने कोर से जो है छुटकारे को प्राप्त किया. We must remember the healing is the will of God. आदि सारू ये भी विश्वास करना चाहिए कि शिफा परमेश्वर की इच्छा है. हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो चंगाई है वो परमेश्वर की मर्जी है. मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा. मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा. So we must ask the hand of the Lord to touch us. आदि सानू ये मांग करनी चाहिए कि परमेश्वर का हाथ सानू छूना चाहिए. हमें ये भी मांगना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ हमें छुए. Surely you will have healing. तो निश्चय तुसी शिफा पाओगे. तब जरूर आप चंगाई को प्राप्त करोगे. Oh, the hand of the Lord be with me. परमेश्वर का हाथ मेरे नाल रहना चाहिए. परमेश्वर का हाथ मेरे साथ रहने दो. Even during the apostolic days we read how the apostles did miracles and wonders and healings. आती ऐसी रसूला दे दिना दे बारे भी पढ़ दिया कि किस तरह रसूला ने भी अद्भुत अचंभे काम थे, चंगाई दे काम की थे. हम लोग प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से किस तरीके से उन्होंने प्रेरितों ने जो है अद्भुत और अनोखे काम किए. It is because the hand of the Lord worked for them. आती तादी है कि जेकर परमेश्वर का हाथ साड़ी नहीं काम करे, ये सब कुछ उस परमेश्वर के हाथ की वजह से है. In Acts of Apostles 11:23 we read. रसूलों के कर्तव्य 11:23 वचन में तुसी पढ़ दे. हम प्रेरितों के काम 11:11 थे, उसके 23 वचन में हम लोग पढ़ते हैं. Oh, the Lord did many miracles and added many souls to the church. केसरा परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारी रूहानु कलीसिया भी जोड़िया. और किस तरह से परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम किया और बहुत सारे लोगों को कलीसिया में छोड़ दिया. सोचा वो उत्थे पहुंचिया अते परमेश्वर की कृपा वेखी तो आनंद होया और उन्हां सबना नू उपदेश दिंदा. भाई दिलां नू तकड़ा नाल तकड़ाई नाल प्रभु वाल लगे हो. एंड द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज विद देम. And a great number believed and turned unto the Lord. Oh, the hand of the Lord is with us. Many souls will be saved. जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल होएगा तो बहुत सारी रूहां बचाईया जाएंगी. अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा तो बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी. And healings will also take place. आते चंगाई का काम भी होएगा और शिफा का काम भी होएगा. In Acts of Apostles chapter 4 verse 30 we read. रसूला ने कहा चौथा अध्याय 30 वचन में भी जैसी पढ़ दिया. प्रेरितों के काम चौथा अध्याय उसके 30 वचन में हम लोग पढ़ते हैं. क्योंकि ये सातों हो नहीं सकता कि जेड़ियां गल्ला असा देख. 30 वचन 30 जदों तू अपना हाथ चंगा करन नू लम्मा करे आदि तेरे पवित्र सेवक यीशु दे नाम तो निशान ते चंबे प्रगट होन. बाय स्ट्रेचिंग फोर्थ थाइन हैंड टू हील And that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Yes, they prayed like that, and Jesus stretched forth his hand and did many miracles and healings. उन्होंने इस तरह प्रार्थना की थी. प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ लंबा करके उन्होंने बताया थे बहुत सारे शिफा दे थे, चंगे काम किए थे. और उन लोगों ने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उनके
बीच में बहुत ही अद्भुत और अनोखे काम किए। Yes, this man of God, the hand of the Lord should be with us. So that healings may take place in our midst. हाँ परमेश्वर के बच्चों परमेश्वर का हाथ साडे नाल होना चाहिए ताकि शिफा का काम साडे जीवन में हो सके। हाँ परमेश्वर के बच्चों परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होना चाहिए ताकि हमारे बीच में चंगाई का काम हो सके। The hand of the Lord is with us. Lord will save many souls. जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल होएगा तब परमेश्वर बहुत सारी रूहों को मुक्ति देगा बचाएगा। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा बहुत से लोग उद्धार पाएंगे और चंगाई को प्राप्त करेंगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। The hand of the Lord is with us. He will give us victory over the enemies. जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल होएगा तो सानू साडे दुश्मन ते फतह बख्शेगा। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहेगा तो वो हमारे दुश्मनों के ऊपर हमें जय देगा। In Psalm 98 verse 1 we read. 98 सूर पहले वचन में पढ़ते हैं। 98 सूर 98 वचन से तो उसके पहले वचन में हम लोग पढ़ते हैं। Psalm 98 verse 1. 98 सूर पहला वचन। 98 वचन से तो उसका पहला वचन। यहोवा ले एक नवा गीत गाओ क्यों जो ओने अचरज काम कीते हन ओदे सज्जे हाथ ओदी पवित्रता ई बाण ए ओदे लई फतह पाई है। ओ सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग फॉर ही हैड डन मार्वेलस थिंग्स हिज राइट हैंड एंड हिज होली आर्म हैड गॉटन हिम द विक्ट्री। ओ हिज राइट हैंड द होली आर्म has gotten him the victory. ओदे सज्जे हाथे ओदे पवित्र बाण ने ओदे लई फतह पाई है। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उससे उसको जय दिया है। This man of God, the hand of the Lord should be with us. परमेश्वर के बच्चों परमेश्वर का हाथ साडे नाल होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होना चाहिए। So what should be your prayer? इस करके थोड़ी प्रार्थना की होनी चाहिए। इस करके आपको प्रार्थना क्या होना चाहिए? The hand of God be with me. के परमेश्वर का हाथ मेरे नाल होवे। के परमेश्वर का हाथ मेरे साथ रहे। So that the hand of the Lord may do mighty things. ताकि परमेश्वर का हाथ पराक्रमी काम करे। ताकि परमेश्वर का हाथ जो है वो अद्भुत काम करे। The hand of the Lord will deliver us from the hands of the enemies. परमेश्वर का हाथ सानू दुश्मन के हाथों छुड़ाएगा। ताकि परमेश्वर का हाथ जो हमें हमारे दुश्मनों के हाथ से हमें छुड़ाएगा। The hand of the Lord will heal our sickness. परमेश्वर का हाथ सारी बीमारी को शिफा देगा। परमेश्वर का हाथ हमारे रोगों से हमें चंगा करेगा। And we read from the word of God, the hand of the Lord also was Israel. आते ऐसी परमेश्वर के वचन में यह भी पढ़ दिया कि परमेश्वर का हाथ अज़रा के नाल भी सी। और परमेश्वर के वचन में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का हाथ अज़रा के साथ था। इज़रा चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। इज़रा की किताब 8वां अध्याय 31 से 32 वचन। इज़रा की किताब 8 अध्याय उसका 31 और 32 वचन। फिर असी पहले महीने दे 12वें दिन यरूशलेम नु जान लई आवाज़ दी नदी कूच कीता अते साडे परमेश्वर दा हाथ साडे उत्ते सी अते उसने सानू सानू बैरियां दे राहों विचों कात लाउण वालियां दे हत्थों बचाया अते असी यरूशलेम विच अपड़ के 3 दिन ताई उत्थे टिके रहे। एंड द हैंड ऑफ आवर गॉड वाज अपॉन अस एंड ही डिलीवर्ड अस फ्रॉम द हैंड ऑफ द एनिमी एंड ऑफ सच एज ले इन वेट बाय द वे एंड वी केम टू जेरूसलेम एंड अबोर्ड देयर 3 डेज। सी द हैंड ऑफ द लॉर्ड डिलीवर्ड देम फ्रॉम द Hands of the enemies. देखो परमेश्वर के हाथ ने उन्होंने उन्होंने वैरियां के हाथों बचाया। देखो परमेश्वर के हाथ ने उनके उनके शत्रुओं से बचाया। And they went to Jerusalem. आते हुए यरूशलेम अपड़े और वो यरूशलेम में पहुंचे। How long they were staying there? आते हुए कितने दिन तक उठे रहे और वहाँ वो कितने दिन तक रहे? Verse again, verse 32. कृपा करके 32 वचन पढ़ांगे। 32 वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। अति असी यरूशलेम विच अपड़ के 3 दिन ताई उत्थे टिके रहे। एंड वी केम टू जेरूसलेम एंड अबोर्ड देयर 3 डेज। सो ओनली 3 डेज दे अबोर्ड इन जेरूसलेम। केवल 3 दिन तक वो यरूशलेम विच रहे। सिर्फ 3 दिन तक वो यरूशलेम में रहे। इज द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज विद अस। जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल है। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो नॉट ओनली ही विल डिलीवर अस फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द एनिमीज। आते वो सानू साडे दुश्मन के हाथों तो छुड़ाएगा। वो हमारे हमारे शत्रुओं के हाथों से छुड़ाएगा। ही विल टेक अस टू न्यू जेरूसलेम। आते वो सारा नवे यरूशलेम लेके जाएगा और वो हमें नए यरूशलेम में लेकर जाएगा। दे वेंट टू एर्थली Jerusalem and said only for 3 days, but we are going to New Jerusalem and we are going to stay there for ever and ever. Oh, Jerusalem, they will chapdeya the utte ke baad 3 din rahe, par assi nave Jerusalem vich ja ke juga jug hamesha usse naal rahange. Oh, log Jerusalem mein pahunche aur wahan 3 din rahe, par jab hum naye Jerusalem mein jayenge, wahan hamesha hamesha ke liye rahenge.
not only for 3 days or 3 months or 3 years. आसी केवल तीन दिन तीन महीने या तीन साल दे नहीं रहे. हम लोग तीन दिन तीन महीने या तीन साल के लिए नहीं. We are going to dwell in New Jerusalem and Zion forever and ever. आसी नमे यरूशलेम ते सियोन में जुगा जुगवास करांगे. हम लोग नए यरूशलेम में जाओ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर रहेंगे. For the hand of the Lord should be with us. पर उसके लिए परमेश्वर का हाथ साथ नाल होना चाहिए. उसके लिए परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहना चाहिए. Hallelujah. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. So he prayed that the hand might be with me and that would keep me from evil. आते उसने ये प्रार्थना की थी कि तेरा हाथ मेरे नाल होवे आते तू मैंने बुराई तो बचाई रखे. और उसने ये प्रार्थना किया कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे और तू मुझे बुराई से बचाए रख. Only when the hand of the Lord is with us, we will be delivered from all evils. केवल जब परमेश्वर का हाथ ही साडे नाल होएगा तो असि सारिया बुराइयां तो छुड़ाए जावांगे. जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा तो हम लोग हर एक बुराई से बचाए जाएंगे. There are two kinds of evils. दो प्रकार दी बुराइयां हैं. दो प्रकार की बुराई है. Evils in the world and evils within us. एक संसार दे विच बुराइयां अते दूजी साडे अंदर बुराई. एक तो दुनिया में बुराई है एक हमारे अंदर खुद के अंदर एक बुराई. You know there are so many evil things happening in this world. आज ऐसे जानते हैं कि इस संसार दे विच बहुत सारिया बुराइयां हुंदिया हैं. हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी बुराई होती है. Thefts, murders, चोरी होती है खून होता है. Adulteries, व्यभिचार व्यभचार. And many corruptions are taking place. आते बहुत सारे भ्रष्टाचार के काम होते हैं और बहुत सारे जो है दुष्टता के काम होते हैं. And people are filled with covetousness. लोग लालच के नाल भरे हुए हैं और लोग जो है वो लालच से भरे हुए हैं. Bible says the love of money is the root of all evils. बाइबल कहती है कि माया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है. और परमेश्वर का वचन कहता है कि पैसे का लालच हर एक तरह की बुराई की जड़ है. People are doing witchcraft. आदि लोग जादू टोने करते हैं. लोग जो है वो जादू टोना करते हैं. There are so many evils in this world. इस संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं. इस जगत में बहुत सारी बुराई है. Even many accidents are taking place. इत्थे तक कि बहुत सारी दुर्घटनावां हुंदियां हैं. यहां तक कि बहुत सारी दुर्घटना होती है. But if the hand of the Lord is with us, the Lord will deliver us from all the evils which are in this world. पर जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल है तो परमेश्वर सानूं इस संसार दीआं सारीआं बुराइयां तो छुड़ाएगा. अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो परमेश्वर इस संसार की हर एक बुराई से हमें छुड़ाएगा. In Psalm 121 we read, the Lord shall preserve the life. He shall keep thee from all evils. आसी ज़बूर 131 दे विच पढ़ दिया कि परमेश्वर जिसने सानू सृजिया और सानू सारी बुराई तो बचाएगा. हम लोग भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं कि जिस हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हमें सृष्टि किया है वो हमें हर एक बुराई से बचाएगा. Yes, the Lord is able to keep us from all evils. हाँ परमेश्वर सानू सारी बुराई तो बचाने के योग्य है. हमारा परमेश्वर हमें हर एक बुराई से बचाने के योग्य है. We need not be afraid of evils. Dangers and accidents. सानू बुराइयां खतरियां ते दुर्घटनावां तो डरन दी जरूरत नहीं है. हमें जो है बुराई से खतरों से और दुर्घटना से डरने की जरूरत नहीं है. So we must pray like Jabez, Lord, the hand of God be with me. That would preserve me from all evils. सानू याबेस की तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर जेकर तेरा हाथ मेरे नाल होएगा तो तू मेनू सारिया बुराइयां तो बचाएगा. याबेस की तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर अगर तेरा हाथ हमारे साथ है तो तू मुझे हर एक बुराई से बचाएगा. And there are also evils within us. आते साड़ी अंदर भी बुराइयां हैं और कुछ बुराइयां हमारे अंदर हैं. What are the evils within us? साड़ी अंदर केड़िया केड़िया बुराइयां हैं. हमारे भीतर कौन सी बुराई है? Which we read in Mark 7. जो असि मरकुस इंजिल 7वें अध्याय में पढ़ते हैं. जो कि हम मरकुस के सुसमाचार 7 अध्याय में पढ़ते हैं. 21-23. 21 to 23 उसके 21 वचन से लेकर 23 वचन तक. क्योंकि अंदरों मनुख के दिल विचों बुरे ख्याल हरामकारियां चोरियां खून जनाकारियां लोभ बदियां शल मस्तियां बुरी नजर कुफर हंकार मूर्खताएं निकल दिए. ये सारियां बुरियां गल्लां अंदरों निकल दियां अते मनुख नु प्रिष्ट कर दियां. For from within out of the heart of men proceed evil thoughts adulteries fornications murders thefts covetousness wickedness deceit lasciviousness an evil eye blasphemy pride foolishness all these evil things come from within and defile the man. All these evil things proceed from within and defile the man.
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਬੁਰੀ ਬਾਤਾਂ ਭੀਤਰ ਹੀ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਅਸ ਫਰਮ ਆਲ ਦੀਸ ਈਵਿਲਸ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇ ਇਨ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੇ ਬਚਾਉਣ ਕੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਈਵਿਲਸ ਵਿਦ ਇਨ ਐਂਡ ਈਵਿਲਸ ਵਿਦਆਊਟ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਭੀਤਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਮਸਟ ਪ੍ਰੇ ਲਾਰਡ ਲੈਟ ਦੇ ਹੈਂਡ ਬੀ ਵਿਦ ਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਮੀ ਫਰਮ ਆਲ ਈਵਿਲਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੁਰਾਈ ਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਈਵਿਲਸ ਆਲਸੋ ਵਿਦਿਨ ਅਸ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਮਾਰੇ ਭੀਤਰ ਔਰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ, pride, ਘਮੰਡ, ਘਮੰਡ, bitterness, ਕੜਵਾਹਟ, ਕੁੜੱਤਤ, evil speaking, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਬੋਲਣਾ, lying tongue, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭ। Like that there are so many evils in us. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ। We must be preserved from all these evils. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਲੋਗ ਇਨ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। Under the hand of the Lord is with us. We cannot be preserved from all these evils. ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਹਮ ਲੋਗ ਇਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। There is another evil also. ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ। That is evil disease. ਉਹ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। Deadly sickness. ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ। There are many killer diseases. ਆਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਿਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। People are dying before the appointed time because of the sicknesses. ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਆਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਰੋਗ ਕੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਤੇ ਹੈ। The psalmist also has such a sickness. ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਭਜਨ ਸਹਿਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। Psalm 41 verse 8. 41 ਜ਼ਬੂਰ 8 ਵਚਨ। 41 ਜ਼ਬੂਰ ਉਸਕਾ 8 ਵਚਨ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਨ ਉਹ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਡਿੱਗਿਆ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਮੁੜ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ। An evil disease see thee, cleaveth fast unto him, and now that he lieth, he shall rise up no more. Oh, some people come and say, oh, you have an evil disease. ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਕਰ ਐਸੇ ਕਹਤੇ ਕਿ ਤੁਝੇ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਗ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ। You will not rise up, you will die. ਉਹ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। Don't hear such words. ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਬਾਤਾਂ ਪਰ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। But what does our Lord say? ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ In Psalm 91 verse 10 and 11. 91 ਜ਼ਬੂਰ 10 ਤੇ 11 ਵਚਨ। 91 ਜ਼ਬੂਰ ਉਸਕਾ 10 ਔਰ 11 ਵਚਨ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਵਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. No evil shall befall thee. ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਪਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪੜੇਗੀ। No evil shall come nigh thy dwelling. ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਵਾ ਨਾ ਪੜੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। See the promise of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੋ ਦੇਖੋ। Let us not be afraid of the evil diseases or deadly sicknesses. ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਲੋਗ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੋਂ ਸੇ ਔਰ ਜੋ ਮਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੇ ਨਾ ਡਰੇ। You know, once I was contracted with jaundice, that was a deadly sickness. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਮਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। My eyes became yellow. ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। My whole body became yellow. ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। Whatever dress I was wearing, they all became yellow. ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥੇ। People who saw me told me, this is very serious, you are going to die very soon, so you must seek medical aid.
इस करके लोगों ने मैंने कहा कि बहुत ही गंभीर बीमारी है, तुसी बहुत जल्दी मरने वाले हो, इस करके तुहानू कोई दवाइयां दी या मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। और जो लोग मुझे देखते थे वो कहते थे कि तो आपकी बीमारी है, आपका रोग बहुत गंभीर है, आप बहुत ही शीघ्र मर जाएंगे, इस करके आपको कुछ चिकित्सा या फिर इलाज करना चाहिए। When I looked at my condition, I myself had no hope. अति जब मैं अपने आप वाल देखता सी मैनू भी कोई आस नहीं सी, और जब मैं अपने आप को देखता था मुझे भी किसी भी तरह की आशा नहीं थी। I was dying. मैं मर रहा सी, मैं मर रहा था। But the Lord spoke to me in a sermon when I was in the service. I am the Lord that healed thee. पर परमेश्वर ने मेरे नाल गल की थी जब मैं मीटिंग दे विच बैठा होया सी कि मैं ही हुआ तेरा निरोया करने वाला परमेश्वर हां। जब मैं मीटिंग में बैठा था तब परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। When I cried unto the Lord for my healing, the Lord told me, my son, why are you crying? Don't you have faith in me? You were healed by my stripes. जब मैं अपनी शिफा दे लई परमेश्वर दे अगे रो रहा सी तब परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे तू क्यों रो रहा है, कि तेनू मेरे उते विश्वास नहीं है, मेरे कोड़ियां दी मार दी नाल तू चंगा हो गया है। और जब मैं प्रार्थना रो रो के अपनी शिफा चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मेरे बेटे क्या तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है, मेरे कोड़े खाने से तने तू चंगा हो गया। When I heard the voice of God, some boldness came into my heart. जब मैं परमेश्वर के वचन ने सुनिया तो मेरे दिल में दिलेरी आई, और जब मैंने परमेश्वर के शब्द को सुना तब मेरे हृदय में हिया हो गया। The Lord has healed me. आदि मैं विश्वास किया कि परमेश्वर ने मेरे शिफा दे दी थी, और मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। Went and gave a testimony in the church. आदि मैं कलीसिया में जाके गवाही दी थी, तब मैंने कलीसिया में जाकर साक्ष्य दिया। Even though my body was yellow, my eyes were yellow, I believed the promise of God. बेशक मेरा शरीर पीला सी, मेरी आंखें पीलिया सन, पर मैं परमेश्वर के वायदे पे विश्वास किया, और चाहे मेरी आंखें पीली थी, मेरा शरीर पीला था, पर मैं परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। Within 2 weeks I was completely healed. 2 हफ्तों के बीच मैं पूरी तरह शिफा पा ली, और 2 हफ्तों के बीच में 2 सप्ताह में मैंने बिल्कुल शिफा प्राप्त किया। The Lord who healed me is able to heal you from all evil diseases. परमेश्वर जिसने मेनू शिफा दी थी और तुहानू भी सारिया बुरिया बीमारियां तो शिफा दे सकते हैं। वो परमेश्वर जिसने मुझे चंगा किया वो आपको भी आपके हरेक रोग से आपको चंगा कर सकता है। Yes, the hand of the Lord should be with us. पर उसके लिए परमेश्वर का हाथ साथ नाल होना चाहिए, और उसके लिए परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होना चाहिए। So he will keep us from all evils. जेकर इस तरह तो उसने वैसे भी सारिया बुराइयां तो बचाएगा, अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर हमें हरेक विपत्ति से बचाएगा। याबेस ने प्रार्थना की थी, याबेस ने प्रार्थना किया, एंड गॉड ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट। तो परमेश्वर ने उसकी पौड़ियां पूरी की, और परमेश्वर ने उसकी मांग को पूरा किया। इवन सो गॉड इज एबल टू ग्रांट ऑल अवर रिक्वेस्ट। इथों तक कि परमेश्वर साड़ियां सारिया बेनतियां अर्जोइयां नूं पूरा करेगा, और परमेश्वर हमारी हर एक तरह की बेनती को वो पूरा करेगा। इफ यू आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, गॉड विल आंसर योर प्रेयर। जेकर तुसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगोगे तो परमेश्वर उत्तर देवेगा। अगर आप लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुछ भी मांगोगे वो आपको पूरा करके देगा। अनदर रीजन व्हाई गॉड आंसर्ड द प्रेयर ऑफ जेबेस। आदि दूसरी गल की क्यों परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना का उत्तर दिया, और दूसरा कारण क्यों परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना का उसको उत्तर दिया। Chronicles 4 verse 9 we read that Jabez was more honorable than his brethren. पहला इतिहास 4:9 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਯਾਬੇਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਵੰਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 4:9 ਮੈਂ ਹਮ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਯਾਬੇਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ ਸੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧਿਤ ਹੁਆ। So we must also be honorable in the sight of God. ऐसी तरह ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। The Lord says in Isaiah 43 verse 4. यशाया की किताब 43:4 में परमेश्वर कहता है, यशाया की किताब उसके 43:4 में परमेश्वर कहता है, He is the Lord persists in my soul, therefore I love thee, therefore thou hast been honorable, so I love thee and give men for thee and people for their life. क्योंकि तू मेरी निगाह दे विच आदर योग है, इस करके मैं तेरे नाल प्यार कीता है, अते तेरे लिए मनुखा नूं अते तेरी जान दे बदले कौमां नूं दे देंगा। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे, इसलिए मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, और तेरी संधि मनुष्य को तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। इफ यू आर प्रेशियस देन वी आर ऑनरेबल इन द साइट ऑफ गॉड। जेकर असि बहुमूल्य है तो असि परमेश्वर की निगाह विच आदर योग हां। अगर हम लोग अनमोल है तो हम परमेश्वर की दृष्टि में जो है बहुत ही प्रतिष्ठित है। And he will love us and give us souls. आदि सानू प्यार करेगा ते रूहां देवेगा, तो परमेश्वर हमें प्रेम करेगा और आत्माओं को देगा। If you are precious,
then we will also be willing to serve him. जेकर असी बहुलिया तो असी उसी सेवा करने के लिए भी इच्छुक होवांगे. अगर हम लोग उसके दृष्टि में अनमोल है तो हम लोग अपने हम लोग उसके इच्छा पूरी करेंगे. So those who are serving the Lord, they are more honorable than others. इस करके जो उसे सेवा कर दिया ना, वो उस तो भी वट के उसकी निगाह में चादरी होगा. इस करके जो लोग उसकी सेवा करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है. In John chapter 12 verse 26, Jesus said. यूहन्ना इंजील 12 अध्याय 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं. और जे कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो तुरे और जिथे मैं हाँ मेरा सेवक भी उथे होवेगा. जे कोई मेरी सेवा करे तो पिता ओदा आदर करेगा. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my father honor. If any man serve me, my father will honor him. जेकर कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा. यदि कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा. How many of you want this honor? तुहाडे विचो किन्ने ए आदर चाहते हैं? आपके बीच में से कितने लोग ये आदर को चाहते हैं? This old son of his life to serve the Lord. जेकर ऐसा तो अपना जीवन प्रभु की सेवा करने समर्पित करो. अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन को प्रभु की सेवा करने के लिए अर्पण कर दो. This is a honorable ministry. This is a ministry honored by God the Father himself. ये आदर योग सेवा है. एक पिता परमेश्वर के वालों आदर योग सेवा है. और ये जो है बहुत ही आदरणीय सेवा है. और ये पिता परमेश्वर की तरफ से आदरणीय सेवा है. बाइबल इन द बाइबल वी रीड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर ऑनरेबल इन हिज साइट. बाइबल दे विच असी बहुत सारी चीजों के बारे पढ़ दिया कि जो उसकी निगाह दे विच आदर योग हैं. हम लोग परमेश्वर के वचन में बहुत सी वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं जो उसकी दृष्टि में बहुत ही अनमोल हैं. There is no time to tell all those things. वो सारी गल्लां दसण दे बारे समा नहीं है. वो सारी बातों को बताने के लिए हम समय नहीं है. However, we read, Jabez was more honorable than his brother. आती असि याबेस के बारे पढ़ते हैं कि वो अपने भावों नालों वध पतवान सी. और हम लोग याबेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपने भाइयों में से ज्यादा प्रतिष्ठित था. I don't know in what way he was honorable. मैनु नहीं पता कि वो किस तरीके दे नाल किस गल दे लई आदर योग सी. मैं ये नहीं जानता कि वो अपने भाइयों से अधिक कैसे प्रतिष्ठित था. But we must be honorable in the sight of God in these ways. पर इना दिना दे विच इना गल्लां दे विच सानू अपनी परमेश्वर की निगाह विच आदर योग होना चाहिए. और हमें भी अपने इन दिनों में अपने परमेश्वर की दृष्टि में जो है प्रतिष्ठित होना चाहिए. In Proverbs 29:23 कहोता 29 का 23 वचन नीति वचन 29 अध्याय का 23 वचन also Proverbs 15:33 आज 15 अध्याय 33 वचन भी और नीति वचन 15 अध्याय उसका 33 वचन भी. And we see that before honor there is humility. आती उसे भी जैसे कि वेख दिया कि आदर तो पहला हलीमी हुंदी है. और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आदर से पहले जो है वहाँ नम्रता होती है. When we humble ourselves, God will honor us. जब असि अपने आप में हलीम करेंगे तो परमेश्वर साडा आदर करेगा. जब हम अपने आप को नम्र करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा. Jesus humbled himself. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हलीम किया. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया. He showed humility in action. आती उसके क्रियाओं या कम्मों के बीच नम्रता थी. उसके कामों में जो एक नम्रता थी. He humbled himself. He was obedient even unto the death of the cross. उसने अपने आप को हलीम किया इतने तक कि शरीर की मौत ही का आज्ञाकार हुआ. उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु तक अपने आप पर नम्र किया. So God exalted him far above all heaven. आती परमेश्वर ने उसने सारे स्वर्गों तो ऊंचा किया. पिता परमेश्वर ने उसे सारे स्वर्गों से ऊपर किया. If we humble ourselves, God will also exalt us. जेकर असि अपने आप को हलीम करेंगे तो परमेश्वर सानू ऊंचा करेगा. अगर हम लोग अपने आप पर नम्र करेंगे परमेश्वर हमें भी ऊंचा करेगा. And we will be in the place where Jesus is. आते असि भी उसी जगह पे होवांगे जिथे प्रभु यीशु मसीह है. और हम लोग भी उसी जगह पर पाए जाएंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है. That is New Jerusalem and Zion. और नवा यरूशलेम ते सियोन है. और वो नया यरूशलेम और सियोन है. Dear children of God, Jesus is coming soon. आते प्रेस करके प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं. और जो प्रभु यीशु मसीह है वो बहुत शीघ्र आ रहा है. Let us be found honorable in his sight. आओ उसी स्वस्थ निगाह के बीच आदर योग्य होइए. आओ हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हो जाएं. I'll tell one more thing and finish. मैं एक और गल दसनी चाहूंगा. मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ. In Hebrews chapter 13. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय. Verse 4. चौथा वचन. उसका चौथा वचन. व्याकरण सपना विच आदर योग गिनिया जावे विशोना बेदाग रहे कि
क्यों जो परमेश्वर अहंकारियां दा अते विभचारियां दा न्याय करेगा. मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल. मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल. व्याह सबना भी चादरी और गिने जाए. विवाह सब में आदर की बात समझी जाए. इफ द अर्थली मैरिज इज सो मच ऑनरेबल, हाउ मच मोर द स्पिरिचुअल मैरिज. जेकर धरती या शाब्दिक रूप से भी चादरी योग है तो आत्मिक रूप में कितना ज्यादा आदर योग होगा. अगर अक्षर तौर पर ये विवाह इतना आदर योग्य है तो जो स्वर्गीय विवाह है वो कितना आदर योग्य होगा. जीसस इज गोइंग टू कम इन द मीडिया वेरी सून. प्रभु यीशु मसीह बदला विष्कार बहुत जल्दी आ रहे हैं. प्रभु यीशु मसीह बात में बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं. व्हाट द बाइबल सेज द मैरिज ऑफ द लैम इज कम. परमेश्वर का वचन कहता है लेले का ब्याह जो आ गया है. परमेश्वर का वचन कहते हैं मेमने का ब्याह जो आ पहुंचा. Revelation 19:7. प्रकाशित पोथी 19:7. प्रकाशित वाक्य 19:7 उसका 7 वचन. हम असि आनंद करिए ते निहाल होइए अति अति वढ़ियाई करिए लेले का ब्याह जो आ गया अति अति लाड़ी ने अपने आप नु त्याग कर लिया. लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस एंड गिव ऑनर टू हिम फॉर द मैरिज ऑफ द लैम्ब इज कम. And his wife hath made herself ready. Oh, the marriage of the Lamb is come. मेमने का ब्याह जो आ गया है. मेमने का ब्याह आ पहुंचा. Let us give honor unto him. आओ से उसको आदर दिए. आओ हम लोग उसको आदर दे. So don't be satisfied with earthly marriages. इस करके धरती के मामलों के बीच संतुष्ट हो जाओ. इस करके जो पृथ्वी के जो बातें उन्हीं में हमें तृप्त नहीं होना. You must be ready for the heavenly marriage. आपको स्वर्गीय स्वर्गीय विवाह के लिए तैयार होना चाहिए. हमको जो है स्वर्गीय विवाह के लिए तैयार होना चाहिए. That is more honorable than the earthly marriage. और धरती के विवाह के नालों वध के आदर योग्य है. वो पृथ्वी पर होने वाले विवाह से ज्यादा आदर योग्य है. Let us be glad and rejoice. आओ से आनंद करिए ते निहाल होइए. आओ हम लोग मगन हो आनंदित होए. Because the marriage of the Lamb is come. क्योंकि मेमने का ब्याह जो आ गया है. क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा. Let us give honor unto him. आओ उसको आदर दीजिए. आओ हम लोग सारा आदर उसको दे. That is by getting ready for the coming of the Lord, we give honor to him. जैसे प्रभु यीशु मसीह के आमद के लिए तैयार होना है तो सानू उसको आदर देना चाहिए. अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है तो हमें उसे आदर मान देना चाहिए. Oh, Jesus is coming soon. साडे प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं. हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र आ रहा है. Let us also pray like Jabez. आओ याबेश की तरह प्रार्थना करिए. आओ हम भी याबेश की तरह प्रार्थना करें. So you all close your eyes. आओ उसे अपनी आंखों बंद करा. आओ हम सब अपनी आंखों को बंद कर ले. Thank the Lord, oh Lord, bless me. प्रभु ने कहो हे प्रभु मेनु बरकत दे. आप मैं प्रभु से कहे हे प्रभु मुझे आशीष दे. May the hand of God be with me. के तेरा हाथ मेरे नाल रहे. कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहे. Lord, keep me from all evils. परमेश्वर मैंने सारी बुराइयां तो बचाई रख. हे परमेश्वर तो मुझे हर एक बुराई से विपत्ति से बचा कर रख. I want to be found honorable in thy sight. मैं तेरी निगाह के बीच आदर योग्य पाया जाना चाहिए. मैं तेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित पाया जाना चाहिए. Upon the word of God, let us pray. आओ परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करिए. आओ हम लोग अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करें. Pray for spiritual enlargement. सानू आत्मिक वाधे या विकास लिए प्रार्थना करनी चाहिए. हमें अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना चाहिए. Lord, enlarge my course. परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा. हे परमेश्वर तू मेरी सीमा को बढ़ा दे. I want to go forward in my spiritual life. मैं अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ. मैं अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ. I need more anointing. मैंने और भी मसा चाहिए. मुझे अधिक मसा अभिषेक चाहिए. I want to go from holiness to holiness. मैं पवित्रता से पवित्रता में बढ़ना चाहिए. मैं पवित्रता से पवित्रता में बढ़ना चाहता हूँ. And go from faith to faith. मैं विश्वास से विश्वास में बढ़ना चाहिए. मैं विश्वास में आगे बढ़ना चाहता हूँ. Lord, the hand of God be with me. परमेश्वर तेरा हाथ मेरे नाल होना चाहिए. परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ होना चाहिए. Make a decision this morning. आज सुबह के समय फैसला करो. और हम लोग इस समय के समय में निश्चय करें. Lord, enlarge my course. परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा. और परमेश्वर तू मेरी सीमा को बढ़ा दे. Lord, I want to do some ministry for you. परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ सेवा करनी चाहता. परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ. स्पिरिचुअल एनलार्जमेंट. मैंने मेरा आत्मिक वाधा या विकास चाहिए. हे प्रभु मैं आत्मिक जरा बढ़ोतरी करना चाहता हूँ. God is going to bless you. परमेश्वर तुम्हें बरकत देने जा रही है. परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है. Yes, all seven verses.